हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है फिर से नए व्लॉग में और आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मौसम हो गया काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा क्या हो गया, मानसून आ गया है, बारिश लगी है बाहर और छुट्टियां तो अभी चल ही रही है बच्चों की, तो बच्चे आराम से इंजॉय कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम पर वही है इनका लेट उठने का, तो मैं तो फ़िलहाल उठ ही जाती हूँ। और बाहर अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है, कभी धूप लग रही है तो कभी बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन मौसम काफ़ी ठीक हो गया है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या ही बोलें। तो बाहर देखिए आवाज़ आ रही थी, मैंने देखा कौन है, तो अंकल जी यहाँ पे ना घास काट के ले जा रहे हैं, तो गाय के लिए चारा तो ले जाना ही है। और बारिश लगी है लेकिन किसान लोग तो अपने काम पे लगे ही रहते हैं। तो यह है कुछ मौसम का हालचाल। तो हल्की सी धूप भी आ रही है और ऊपर काले काले बादल लगे हैं, बाकी देखते हैं दिन भर कैसा मौसम रहेगा। और वैसे तो बरसात लग गया है तो ऐसे ही रहेगा मौसम। और ये लगी हमारी न्यू स्ट्रीट लाइट जो सरकार द्वारा लगाई जाती है गांव में, और यहाँ पे आ गई है कली। कली ने जैसे ही देखा मुझे कि मैं बाहर आ गई हूँ तो तुरंत गेट पे आ गई, लेकिन मैं अभी इसके लिए गेट नहीं खोलूँगी क्योंकि ये बिल्कुल गीली होकर यहाँ पे किच पिच कर देती, पूरा कीचड़ लेके आ जाती है मेन डोर के सामने। और मेरे फूलों पे भी काफ़ी अच्छी जान आ गई है बारिश होने से, काफ़ी अच्छे खिले खिले हो गए हैं और इन पर नई कलियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। ये है पोर्चुला का और ये भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। तो मॉनसून जल्दी ही आ गया इस बार, मतलब थोड़ी सी एक डेढ़ हफ्ते की गर्मी थी, बाकी जल्दी आ गया। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो पोर्चुला का है ना, तो काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है, तो मैंने सोचा कि इसकी कुछ कटिंग्स में इधर उधर लगा लेती हूँ। मेरे पास कुछ बॉटल्स खाली पड़ी हुई थी, तो थोड़ी सी धूप भी निकल आई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं थोड़ी देर बारिश बंद हुई। मैंने भी कपड़े सुखाने डाल दें, ऊपर नीचे ऐसी भागा दौड़ी हो रही है आज के कपड़ों के साथ ना। तो ये दो बॉटल्स थी, एक है ये ऑयल की सरसों तेल की और ये कोल्ड ड्रिंक की, तो इसमें मैंने मिट्टी भर ली है। और बरसात के टाइम पे एकदम से पकड़ बना लेते हैं पौधे। तो ये तो है पोर्चुला का, इसको 9 o'clock भी बोलते हैं, मतलब वही है। और साथ में दूसरी पत्ती वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो है पर्सलिन जिसमें येलो फूल आता है, तो मैं इसको मिक्स करके लगा रही हूँ। तो ये जब खिलता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, साथ में गुलाबी और पीला। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी, अंदर पड़ी हुई थी ये बोतलें, तो फेंकने का मन भी नहीं करता मेरा क्योंकि अगर कोई चीज़ यूज़ में आ जाए तो क्या ही बात है। तो फिलहाल ये मैंने इन पर पेंट भी नहीं कराया और बस ऐसे ही काम चलाओ कर दिया है, मेरा मन कर भी नहीं रहा इनको इतनी मेहनत करने का, तो इनको मैंने बारिश में रख दिया है। और ये है 2 साल पहले लगाए थे मैंने, इनमें मिट्टी चेंज तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन ठीक है ये भी अपनी ग्रोथ पकड़ चुके हैं तो चलने दो जैसा चल रहा है। और ये रखा था मैंने मैट्रेस थोड़ी देर धूप में, और थोड़ी सी इन पर हल्की सी धूप लगी लेकिन उसके बाद फिर से मौसम घिर के आ गए और जो काले काले बादल थे आप देख रहे होंगे उनसे फिर से बूंदाबांदी होना शुरू हो गई है। वैसे धूप दिखाई दे रही है लेकिन हल्की सी बारिश भी लगी है, तो कुछ ऐसा मौसम हो रहा है दोस्तों। और इतना काम करते करते मुझे लग चुकी है थकान, मैं पसीना पसीना हो गई हूँ, जबकि मौसम ठंडा है लेकिन काम करते करते फिर भी पसीना हो ही जा रहा है। तो मेरा हो गया है नहाने का टाइम और मैं और मेरा डुगू अपनी अपनी हाइट नाप रहे हैं, तो कह रहा है मम्मा कि मैं आपके बराबर तो होने ही वाला हूँ। तो मैं गई हूँ बैक साइड में और एक काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था, बस यही चल रहा है, घर में काम चल रहा है तोड़ फोड़ का, तो थोड़ा यहाँ पे से लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने यहाँ पे सही करवाया। देख सकते हैं आप टायर्स भी चेंज कर दिए हैं, इसके सेम मैच के तो मिलती है नहीं, तो यहाँ पे तोड़ फोड़ करी थी और बाथरूम करके जा रखे हैं भैया लोग सब गंदा पूरा, तो इसको करना है मैंने साफ़। तो नहाने से पहले मैंने सोचा पहले इसी को साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही साथ धोनी है मुझे ये चटाई, मैंने परसों से बारिश में रखी है लेकिन मोटी बारिश हुई नहीं, तो आज कल एक दो दिन में मोटी बारिश लग चुकी है।
और साथ ही साथ बन गया है मेरा खाना और दाल चावल बन चुका है। और ये मैंने थोड़ा सा गलाया है घी, तो मलाई से बनाया था मैंने मक्खन, और मक्खन बनाया है मैंने अपने एक नए टूल में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये वैसे दुकानों में मिल जाता है लेकिन मैंने ऑनलाइन ही इसको मंगवा लिया, क्योंकि बारिश में इधर उधर जाना हो नहीं रहा है ना। और पहले मैं सोचती थी कि लोग क्यों इसे फालतू में लेते हैं, अपने हाथ से काट लो टमाटर प्याज लहसुन जो भी है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही बेनिफिट वाला है यार। इसमें एक तो ये ब्लेड दे रखी है और एक तरफ से ये जो साइड में रखा हुआ है फेंट निकले, ये मतलब आप इस तरह, और ब्लेड इसकी इतनी शार्प है कि काफ़ी अच्छे से इसमें ग्राइंड हो रहा है, और इससे आप फेंट सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं। तो जैसे कभी लाइट नहीं होती ना, तो उसमें ये काफ़ी मददगार है यार। तो स्पेशली हमको मिक्सी निकालनी नहीं पड़ती, तो इसमें फटाक से काम हो जाता है। दो तीन जनों के लिए तो मैंगो शेक, बनाना शेक, कुछ भी ऐसा इस टाइप का हल्का फुल्का शेक इसमें बैठे बैठे बन जाता है। क्लीनिंग करने में भी आसान है, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा। अब मैं सोच रही हूँ मैंने इसे पहले क्यों नहीं लिया होगा। तो दोस्तों हम खाना पीना खा चुके हैं और मेरा बंदर मार रहा है गुलाटी, मुझे स्टंट दिखाता रहता है। और बाहर फिर अभी भी वही हाल है बारिश के, तो बाथरूम मैंने साफ़ कर लिया था और मोटी बारिश लगी तो मैंने चटाई फेंक दी है नीचे, तो इसको अच्छे से भीगने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें साबुन सर्फ लगा के धोऊंगी। तो अभी तो बाहर जा नहीं सकते। तो कुकू अच्छे अच्छे स्टंट कर रहा है और आदर्श उसको देख रहा है कि उसका भी मन कर रहा है, लेकिन उससे नहीं होता है कि उसकी बॉडी थोड़ी फैटी फैटी है, तो वो उसे देख के कह रहा है कि मम्मा ये कैसे कर रहा है, हाउ। और इसको देख के मुझे डर भी लगता है कहीं अपनी गर्दन ना मोड़ ले किसी दिन, तो ऐसी हरकतें चलती रहती हैं इनकी। और आदर्श उसको देखने पर लगा है कि तू कैसे कर रहा है, मुझे भी सीखना है। तो आदर्श ट्राई कर रहा था लेकिन आदर्श की बस की बात नहीं है गाइस, उसे डर भी लगता है। तो मेरा आदर्श लेके आ चुका है दूध, और आदर्श से मंगवाया था मैंने चीनी, और आदर्श का मन करा कि मम्मा मैगी खाते हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा है और बच्चों को घर में बैठे बैठे बस इनको बार बार भूख ही लगती जा रही है, तो मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं और इस बरसात को थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं घर में बैठे बैठे। तो फिर बाहर हल्की सी धूप आ चुकी है हल्की सी, और थोड़ी देर बारिश तो बंद हो ही गई है, 6 बजने को हैं और हमारा बन रहा है मैगी, और साथ में बन रही है अदरक वाली चाय। तो बच्चे ना आजकल रोज़ तीसरे चौथे दिन बारिश में नहा रहे हैं, तो तबीयत बिगड़ने का भी डर होता है, तो वही है ना, मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने स्पेशली तीनों के लिए अदरक वाली चाय बनाई है, और हमारा चाय और मैगी रेडी है, और हम चलते हैं खाने के लिए दोस्तों। तो बच्चों के लिए चाय ज़्यादा हो गई, मैंने अपने लिए डाल लिए, और बच्चे बैठ गए हैं मैगी खाने। मैं भी मैगी एंजॉय करती हूँ, और मैगी खाने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने काम पे। मैंने धो ली है चटाई दोस्तों, तो इस चटाई पे ना दो तीन दिन से भीग भीग के स्मेल भी आने लग गई थी, तो इसमें कम्फर्ट डालना पड़ेगा मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है ये लाइट्स, और लाइट्स लगाना मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए मैंने मंगवा दी, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था इनका, मतलब ये ड्रॉप्स में है, थोड़ा ड्रॉप होती है जैसे, तो मैंने मंगवा लिया, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मैं शाम को ड्राइंग रूम में इसको जला देती हूँ। तो मौसम थोड़ा ठीक है और मैं भी थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, सुबह से अंदर पड़े पड़े बोर हो गए हैं, तो चलो मैं वॉक करके आती हूँ, उसके बाद आपको मिलते हैं रात को।
बच्चों की चल रही थी संध्या आरती और मैं चुपके से वीडियो बना रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो गणेश जी का भजन गा रहे थे और पता नहीं क्या बजा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बजा के वो भजन कर रहा था, ढम ढम लगा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन भी हो चुका है यहीं पे समाप्त और दिन का पता ही नहीं चल रहा है बारिश के कारण कि कब कट रहा है, कब हम खा रहे हैं, कब क्या हो रहा है। बस दिन भर अंदर का काम हो रहा है बस, और कुछ नहीं, बोरिंग बोरिंग सा हो रखा है। तो कुकू को लग चुकी है खुजली, उसको सोने से पहले एक बार पीठ में खुजली करनी पड़ती है, तब जाके उसको नींद आती है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड, और हम खाना पीना खा पी के आ चुके हैं अपने बिस्तर में। मुझे एक पिंपल भी आ गया है, तो मुझे भी शायद बारिश में नहाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय देव भूमि उत्तराखंड।